These women have traveled from Pune with her and they are going to be with her at the Haji Ali Dargah. Okay. And we have Tripti Desai right now with us. Tripti ma'am, bataiye itni sari auratein aapke saath aayi hain, wahan pe security arrangement bhi kaisi rahengi, aapko kya bataya hai Mumbai police ne kuch? नहीं, मुंबई पुलिस ने जो है पूरा सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है हम शांतिपूर्व जो है आंदोलन करने वाले हैं, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगर शांतिपूर्ण जा रहे हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, वो दरगाह में प्रवेश जो है वो शांतिपूर्ण होगा, और दुआ मांग के जो है वो प्रवेश होने के बाद जो है वो हम वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। आपकी बात हुई है मुंबई पुलिस कमिश्नर से या किसी से? मुंबई पुलिस कमिश्नर को और वहाँ के जो लोकल ताड़देव पुलिस स्टेशन और एसीपी को हमारे जो फोरम के मेंबर्स हैं वो मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, और उनका जो है वो अच्छा सपोर्ट भी रहा है। सिर्फ उन्होंने एक हमसे विनती की थी कि ज़्यादा कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन में शामिल न की जाए, 100 से ऊपर, तो उनका वो भी मानना जो था वो हमने मंजूर किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को कोई तकलीफ ना हो, नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो, मुंबई जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर हमारे भी बाजू से कहीं ना बिगड़े, इसका पूरा जो है वो इंतजाम हमने किया हुआ है। एक फाइनल सवाल आपसे ये कि ट्रस्टीज का कहना है कि हाई कोर्ट ऑर्डर सिर्फ हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लागू होता है जबकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, वो जो एक्ट है वो हिंदू प्लेसेस के लिए है, लेकिन हाजी अली दरगाह में 2011 से पहले प्रवेश था। ये प्रवेश जो है वो ट्रस्टियों ने बंद किया है, ट्रस्टियों को बिल्कुल ऐसी परंपरा लादने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये गलत जो इन्होंने पाबंदी लगाई है तो वो तुरंत हटानी चाहिए, इसके खिलाफ का ये आंदोलन है।